हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपको पता है कि मुझे बैग पेंट करना है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे पेंट करूं। तो चलते हैं हमारी गार्डन की तरफ, कुछ अगर नेचर से इंस्पिरेशन मिल जाए। तो ये है मेरा प्यारा सा छोटू सा गार्डन, और यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं। वैसे मुझे सबके नाम नहीं पता, दिस इज़ माई फेवरेट पेपर फ्लावर्स, आई जस्ट लव इट। मैंने अपने नाम डाल दिए। तो आई वॉज सर्चिंग फॉर इंस्पिरेशन, कुछ मिल जाए जिससे मैं अपना ये सुनसान, मतलब जो बैग है वाइट कलर का, उसका थोड़ा उसमें रंग भर सकूँ। ऐसे अभी भी होली गई है एंड मैं थोड़ी बिजी भी थी। आप बैक टू बैक जब ब्लॉग्स आएंगे आपको पता चल जाएगा मैं किस वजह से बिजी थी। तो मुझे मेरे इंस्पिरेशन मिल गई है। सो आई वॉज थिंकिंग कि मैं इसमें लीव्स के इम्प्रेशंस डालूँ। तो फिर शुरू करते हैं, मेरे को इंस्पिरेशन मिल चुकी है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम कार्डबोर्ड लगाएंगे ताकि इसके पीछे में इसका जो प्रिंट है वो ना जाए। तो मैंने मोटा सा कार्डबोर्ड लिया है जो आपको गारमेंट्स में मिल जाते हैं, तो मैंने वैसा वाला ही लिया है। और फिर हम इसमें करेंगे पत्तों का इंप्रेशन। बट करने से पहले मैं बता दूँ कि सारी चीज़ें एक बार में परफेक्ट नहीं बनती हैं, तो यू शुड ट्राई एंड ट्राई बट डोंट क्राई। जोक्स अपार्ट, एक्चुअली हम ज़्यादातर जो DIY वीडियोज़ देखते थे उसमें वो लोग एक बार में कर देते, तो मैंने सोचा कि नहीं, इससे आप लोगों को लगता होगा कि सारी चीज़ें एक बार में परफेक्ट बन जाती हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ एक बार में परफेक्ट नहीं बनती है, आप हर बार सीखते हैं। और मैंने कुछ और सोचा था, मतलब पत्तों का मुझे लगा था कि ऐसे प्रिंट्स आएंगे, ये होगा, पर ये कुछ अलग ही बना। एंड जो भी बना बहुत ही खूबसूरत बना, यू कैन गेट द एंड रिजल्ट। तो मेरी बस यही आप मुझे बस यही आपको बताना था, और यही मैं हर वक्त बिलीव करती हूँ, कभी ख़राब नहीं होती है। आप कभी नहीं बोल सकते कि उसकी आर्ट ख़राब है, आर्ट सबकी अपनी तरह होती है, यूनिक होती है। तो ये मेरा यूनिक लीव इम्प्रेशन था। तो फर्स्टली मैंने इसमें ग्रेडियंट ट्राई किया कि पहले का जो लेयर दिया है वो मैंने डार्क ग्रीन में दिया है, ताकि एक डार्क ग्रेडियंट तैयार हो। तो मैंने ग्रीन के ग्रेडियंट्स यूज़ किए हैं कि फर्स्ट दो लेयर्स आपके डार्क ग्रीन के गए हैं, देन मीडियम ग्रीन में गए हैं, एंड देन लाइट ग्रीन एंड येलो में गया है। देख सकते हैं, तो मुझे लगा कि कुछ लिखना भी चाहिए। देन आई थॉट टू राइट ग्रो, as usual we need to grow in life, it's my philosophy, and everyone grows in their own way. तो आप किसी की ग्रोथ के साथ किसी की ग्रोथ की कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी जर्नी अलग होती है और सबको सबकी तरह से ग्रो करना होता है। आई जस्ट लव टू गिव एग्जाम्पल ऑफ जंगल, जैसे जंगल में हर चीज़ें अपनी तरह से ग्रो करती हैं, वैसे भी इंसानों को भी अपनी तरह से ग्रो करना चाहिए। ओके, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। फिर मैंने सोचा कि थोड़े ग्लिटर्स ऐड करते हैं, तो फिर मैंने ग्लिटर्स भी ऐड किए हैं। सो लुक्स लाइक, आई होप यू गाइज इन्जॉय दिस वीडियो, इट्स अ स्मॉल वीडियो, एंड इसके बाद बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई, और मेरी थोड़ी सी अगर आपको पसंद आई, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो के नीचे आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। एंड गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।